बैठ जा। संक्षिप्त में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो परिवर्तन यात्रा हमने निकाली है, ये 6 महीने की परिवर्तन यात्रा हम सबसे पहले निकालना चाहते थे। उस समय हमारे पास कोई अनुभव नहीं था, इसलिए महाराष्ट्र में 24 अप्रैल से लेकर 3 जून तक 42 दिन की यात्रा हमने परिवर्तन करने की यात्रा अनुभव लेने के लिए निकाली थी। और वो अनुभव लेने के बाद हम लोगों के पास एक तजर्बा हो गया, अनुभव हो गया, उसको आधार बनाकर 7 अगस्त 2018 से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से हम लोगों ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली है। और ये परिवर्तन यात्रा 6 महीने तक चलेगी, जनवरी फरवरी तक। और इस परिवर्तन मुख्य परिवर्तन यात्रा को समर्थन देने के लिए उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्व भारत से, पश्चिम भारत से और मध्य भारत से 5 और परिवर्तन यात्राएं निकल रही है। और ये सारी परिवर्तन यात्राएं मिलकर 31 राज्यों में 441 जिलों में ये परिवर्तन यात्राएं पहुंचेगी। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्राएं आजाद भारत में किन्हीं मजलूम लोगों के द्वारा, वंचित लोगों के द्वारा, पिछड़े लोगों के द्वारा आज तक नहीं निकाली गई है। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा हमने अपने लोगों के, आप लोगों के भरोसे पर निकाली। ये गाड़ियां चल रही है, इसका तेल भी आप लोगों से मिल रहा है, लोगों को खाने के लिए जो रोटी पानी की व्यवस्था है वो भी समाज के लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम कोई टाटा बिरला तो नहीं है, न टाटा बिरला हमारा समर्थन कर रहा है, ये तो व्यवस्था के विरोध में परिवर्तन यात्रा चल रही है। इसलिए ये जो परिवर्तन यात्रा 441 जिलों में चलेगी 2018 में, 2019 में 556 जिलों में चलेगी और 2024 तक ये यात्रा की योजना है 6 लाख गांवों में हमारा संगठन खड़ा होना चाहिए। 6 लाख गांवों में संगठन खड़ा होगा तो फिर हमारे ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के ऊपर होने वाले अन्याय को प्रतिकार करने के लिए हमारे पास संगठन रहेगा। अगर हमारे पास संगठन होगा तो हम मुकाबला कर सकते हैं, अगर हमारे पास संगठन नहीं रहेगा तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। संगठन होना चाहिए तब जाकर के मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात है बैकवर्ड क्लासेस के लोग। अब देश का प्रधानमंत्री एक बैकवर्ड क्लास का आदमी बन गया, ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार सभी लोगों को, बैकवर्डों को नहीं दिया होता तो एक बैकवर्ड देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। मगर ये जो नरेंद्र मोदी बैकवर्ड का प्रधानमंत्री बना हुआ है, पिछड़े वर्ग का बना हुआ है, पिछड़े वर्ग के ही विरोध में काम कर रहा है। ये आपके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बैकवर्ड है और देश का प्रधानमंत्री भी बैकवर्ड है। पार्टी बीजेपी ब्राह्मणों की है मगर बैकवर्डों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाकर उनका इन्हीं लोगों के विरोध में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति आधारित गिनती करने का काम करने के बजाय उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, विरोध किया। दूसरा, पिछड़े वर्ग के 314 बच्चे आईएएस और आईआरएस परीक्षा पास किए थे, उनको पोस्टिंग देना चाहिए था जिले में, मगर उसकी पोस्टिंग देने के बजाय उसकी सारी लिस्ट को रद्द कर दिया। बैकवर्ड क्लास के बच्चों को, एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, वजीफा मिलता था, वो वजीफा अभी 4.5 साल हो गए हैं, अभी सरकार 19 में जाने वाली है, वो वजीफा रद्द कर दिया है। तो ऐसे ओबीसी का कमीशन रद्द कर दिया था, अभी कह रहा है कि इसको हमने संवैधानिक दर्जा दे करके दोबारा पास कर दिया है, मगर एससी और एसटी का कमीशन संवैधानिक दर्जा लिए हुए पहले से था। जब वो कमीशन होने के बावजूद भी एससी एसटी के साथ कोई न्याय नहीं हुआ तो ओबीसी के साथ क्या न्याय होगा? न्याय नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, ओबीसी के लिए नरेंद्र मोदी ने विकास करने के लिए 4.5 साल में एक नया पैसा भी बजट के लिए नहीं दिया, ओबीसी का बजट 0 रहा। तो इस तरह से ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ब्राह्मणों ने बनाया और ओबीसी के ही विरोध में काम हो रहा है। दूसरा है
आज देश में मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जानकारी है। और मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चन है, उसके बाद बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, सिख है, सभी धर्म के लोग जो है, जो ब्राह्मण धर्म के विरोधी है, उन लोगों के विरोध में ब्राह्मण धर्म के लोगों ने उन पर हर जगह हमला और हल्ला करने का कार्यक्रम शुरू किया है। इस वजह से हम लोगों ने ये सारे परिस्थिति में परिवर्तन करने के लिए ये सारा का सारा परिवर्तन यात्रा निकाली। आज भारत में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि ब्राह्मण राज कैसे स्थापित कर दिया। आज की तारीख में भारत में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है। पहली पार्टी 1885 को कांग्रेस बनी, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मणों ने बनाई। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस ने बनाई, पहले जनसंघ बनाया, फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई, ये भी ब्राह्मणों की पार्टी। तीसरी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमरू डांगे बॉम्बे का, इन्होंने बनाई, ये भी ब्राह्मण। चौथी पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एमएस नंबूद्रीपाद, ये नंबूद्री ब्राह्मण है, इन्होंने बनाई। पांचवी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की ब्राह्मण, उसने बनाई। 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। और ये जानकारी मैंने आपको क्यों दी, क्योंकि इन्हीं ब्राह्मण पार्टियों का भारत पर राज है, सारा काम ब्राह्मणों के लिए हो रहा है, सारा का सारा काम ब्राह्मणों के लिए हो रहा है। किसान लोगों को आत्महत्या हो रही है, मगर कुंभ मेला पर 10,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, किसानों को नहीं दिया जा रहा है। कुंभ मेला पर जहां ब्राह्मणों का मामला चल रहा है वहां दिया जा रहा है, और किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले नासिक में कुंभ मेला हुआ था, तो वहां पर सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया खर्चा किया, और जो बाबा लोग, जो लोग नागा बाबा लोग आए थे, उनके गांजा पीने का भी सरकार ने व्यवस्था किया था। जब पूछा गया सरकार को, तो कहा कि बाबा लोगों की इच्छा पूरी करना पड़ेगा, इसलिए हमने गांजा पिलाया। तो इस तरह से गांजा पिलाने के लिए भी सरकार के पास पैसा है, मगर किसानों को मदद करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। उसका कारण ये है कि ये सरकार ब्राह्मणों की है, ये ब्राह्मणों की सरकार है, इसलिए इन्होंने संविधान को जलाने का दिल्ली में काम किया। और पुलिस लोग देख रहे थे और संविधान जल रहा था। अगर हमारे किसी आदमी ने ऐसा काम किया होता तो पुलिस ने गोली चलाई होती। वो ब्राह्मण लोग थे सारे के सारे, संविधान जलाने के लिए पुलिस लोग देख रहे थे, पुलिस के सामने जलाया जा रहा था, मगर पुलिस ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया और वहां से वो लोग फरार हो गए, और पुलिस वालों ने किसी को भी अरेस्ट करने का काम नहीं किया। हम लोगों ने सारे देश भर में उन लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल करने के लिए अधिकारियों के पास तहरीर दाखिल की है। इसलिए साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए की हुई है, क्योंकि ईवीएम मशीन के द्वारा अभी आजकल चुनाव हो रहा है, और अमेरिका में नहीं होता, इंग्लैंड में नहीं होता है, यूरोप में नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा एडवांस कंट्री है, वहां नहीं होता है। यहाँ 90% लोग या तो अनपढ़ है या तो आधे पढ़े लिखे लोग हैं। वहां टेक्नोलॉजी के आधार पर, जिनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ये ईवीएम मशीन ये वोट की चोरी करती है। ये वोट की चोरी का एक किस्सा, एक उदाहरण आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र के विधानसभा में प्रोफेसर राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने बूथ पर वोट डालने के लिए गए, अपने बीवी को लेकर गए, कार्यकर्ताओं को लेकर गए, उसके रिश्तेदारों को लेकर गए, सभी ने उनको वोट डाला। जब काउंटिंग हुआ तो 0 वोट निकला। तो उसने पत्रकारों को कहा कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं प्रोफेसर हूँ, इतना गधा नहीं हूँ कि अपने आप को वोट नहीं डालूं। तो कम से कम एक वोट प्रोफेसर को पड़ा, अरे इतना तो निकाला होता, मगर एक वोट भी नहीं निकाला। इसका मतलब है ये मशीन वोटों की
चोरी करती है और वोटों की चोरी के आधार पर ये लोकतंत्र चल रहा है। मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं, अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे की चोरी करता है, जिसके पास वोट नहीं है वोटों की चोरी करता है। ब्राह्मणों के पास 3.5% वोट है, अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो ब्राह्मण का आदमी ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का सवाल नहीं। मगर जो लोग ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये सारा ईवीएम मशीन की वजह से हो रहा है। इस वजह से साथियों इसमें परिवर्तन करना होगा। अब बहुत जोर से बारिश आने की संभावना है, कोई बात नहीं है, तो इस परिवर्तन यात्रा को आप लोग साथ सहयोग कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करें। आभार प्रदर्शन के लिए हमारे विश्वनाथ सिंह जी आभार व्यक्त कर दो, कुर्सी बिठाने वाले खटेर विधानसभा की ग्राम खेरी में आप लोग आए प्रवर्तन यात्रा के माध्यम से, हमारे साहब को आप लोगों ने सुना और आप बड़ी देर से यहाँ पर बैठे थे, इसलिए हम आपका आभार करते हैं। और आज का जो साहब ने जो प्रवृत्ति जो बातें कर रखी हैं उन्हें आप लोगों ने उनको ध्यान से सुना होगा और हम आभार व्यक्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।